सब्सक्राइब कीजिए हेल्पिंग तपन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, रेलवे अभी असिस्टेंट लोको पायलट निकल के लाया था, बहुत सारा वैकेंसी 26,000 वैकेंसी लाया था। अभी दोस्तों, जिसके पास आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक कोई भी क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों उसके अप्लाई कर सकते हो वो असिस्टेंट लोको पायलट। अभी दोस्तों, जो लोग टेंथ है, टेंथ क्वालिफिकेशन के लिए या आईटीआई के लिए, आईटीआई और टेंथ के लिए, ये दोस्तों आ गया है दोस्तों रेलवे का ग्रुप डी वैकेंसी। तो दोस्तों, ये थोड़ा पूरा सैलरी थोड़ा इसमें कम रहेगा, तो पूरा मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसा सिलेक्शन प्रोसीडियर है इसका, और कैसा रिटन टेस्ट होगा, और कैसे आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और कैसे आपको कितना वैकेंसी है और कहाँ पे आपको कितना वैकेंसी मिलेगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैं तपन कुमार जो असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी इसरो डीआरडीओ टेक्निकली ऐसे सारे एग्जाम मैंने देके आया हूँ। मेरे पास थोड़ा ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हो गया, मतलब 60-70 ऐसे एग्जाम देके आया हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे किस तरीके में आप लोग अगर ग्रुप डी दोस्तों आप लोग पता होगा 2013 में या 14 में वैकेंसी निकला था, तो उसमें भी मैंने रिटर्न दिया था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर करूंगा उसका। असिस्टेंट लोको पायलट 2014 का जो एग्जाम हुआ था उसका भी पेपर दिया था दोस्तों, तो कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और किस तरीका में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी का जो वैकेंसी अभी टोटल निकल के आया है 62,907 क्वांटिटी, मतलब आपको 62,000 लगभग 63,000 जैसा वैकेंसी निकल के आया है टोटल ऑल ओवर इंडिया में। दोस्तों, इसका पूरा सेंट्रलाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया है 2/2018, इसका सेंट्रलाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब आप अगर एडवर्टाइजमेंट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज मंगा रहे हो तो उसको 10 तारीख जो 10th नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज आ रहा है तो उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पूरा डिटेल्स में इसको आ जाएगा। तो आप उसको खरीद नहीं रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको ऐसे गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, और खरीद रहे हो तो उसमें भी आ जाएगा। और उसमें टोटल वैकेंसी आ रहा है 62,000। और दोस्तों, जोनल वाइज उसका डिस्क्राइब मैंने सुबह कर दिया था एक वीडियो, उसको भी देख लीजिए। जोनल वाइज भी 3,000 वैकेंसी है दिल्ली में, ऐसा पूरा जोनल वाइज स्पेसिफिकेशन है। आज हम बात करेंगे उसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। दोस्तों, अभी जो रेलवे ग्रुप डी निकल के आया है दोस्तों, अभी ऑनलाइन टेस्ट कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि एएलपी अभी 2 स्टेज का ऑनलाइन टेस्ट किया था, जैसे कि सेकंड फर्स्ट स्टेज रिटेन सेकंड स्टेज जिसे, इसमें भी ग्रुप डी ऐसा ही दोस्तों कर दिया है। सीबीटी मतलब कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट आपको करना देना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको मॉक टेस्ट बनाऊंगा, कैसे आपके घर बैठ के कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट दे सकते हो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बनाऊंगा। और इसमें पहला स्टेप होगा ऑनलाइन जो एग्जाम देना पड़ेगा रिटन टेस्ट, उसके बाद दोस्तों पीईटी फिजिकल एंट्री टेस्ट, जो आपको 1000 मीटर रनिंग कराएंगे, उसमें कुछ फिजिकल टेस्ट कराएंगे, जैसे कि वेट में कुछ देंगे, शायद आपको कुछ वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा, और हाई जंप लॉन्ग जंप ये थोड़ा प्रोसीडियर रहता है ग्रुप डी में। अगर आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन हो तो इसको अप्लाई कर सकती हो। और दोस्तों, सबसे ज्यादा वैकेंसी निकल के आया है 62,000, ऐसे पूरा रेलवे का रिक्रूटमेंट जो कैरियर है टोटल देखा जाए तो पूरा सालों से इतना वैकेंसी कभी निकल के नहीं आ रहा है। ये थोड़ा दिमाग मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जो अगले साल में उसका आ रहा है इलेक्शन, इसके लिए आप लोगों के लिए इतना सारा वैकेंसी निकल के लाया है। हो सकता है दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी एक दिन भी रिटर्न एग्जाम कर सकता है, ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे जा सकते हैं यहाँ पे जा सकते हैं, तो उसको डिवाइड करने के लिए हो सकता है ऐसे भी कर सकता है, एक दिन में सारे रिटर्न एग्जाम एक दिन में, इतना सेंटर नहीं होगा जो सारे रिटर्न टेस्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं उसका पीईटी फिजिकल एंट्री टेस्ट के बाद आपको पूरा मेरिट लिस्ट निकालेगा, जो लोग सिलेक्शन हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जितना सिलेक्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे फाइनली ज्वाइनिंग। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या आएगा,
टोटली नॉन टेक्निकल दोस्तों, प्योर नॉन टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर, ये चारों है, मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर। जीके में आएगा दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सब दोस्तों जीके में आएगा। साइंस में जो जीके में भी साइंस में भी आ सकता है नहीं आएगा। साइंस में जैसे कि आपको जनरल साइंस है, और जैसे कि 10th लेवल क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, एल्गोरिथम, ये सब रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, ये सब सारे दोस्तों मैथमेटिक्स में आएगा, जीके में बोल दिया। उसके बाद करंट अफेयर, हर रोज आप करंट अफेयर के लिए एक महिंद्रा का छोटा सा चट्टी बुक आता है, आप उसको भी खरीद सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर का थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके साथ आपको रीजनिंग थोड़ा देखना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि ब्लड रिलेशन आ गया है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, जैसे कि ये सारे थोड़ा बहुत आपको रीजनिंग देखना पड़ेगा। रीजनिंग में प्योर मार्क आएगा दोस्तों, आपकी रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा ठीक होता है। आप अगर 20 क्वेश्चन रीजनिंग पढ़ाए, आप क्लिक कर सकते हो, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और 15 क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सिलेबस इस तरीका में आएगा। और ऑनलाइन टेस्ट करा जाएगा, तो ऑनलाइन टेस्ट ये जो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा उसमें भी मैं आपको पूरा प्रोसीड्योर बता दूंगा दोस्तों, पूरा ए टू जेड आपको मैं बताते जाऊंगा दोस्तों। इस बार क्वालिफिकेशन का कुछ चेंजेस लाया है, अगर आप आईटीआई किए हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और एनएससी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो, 10th लेवल भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसमें कुछ स्पेसिफाई रखा गया है, अगर 10th क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है, तो कुछ स्पेशली कैटेगरी जो है, स्पेशल कैटेगरी, आप एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, देख सकते हो, जो रेलवे के तरफ से निकल गया है। आप कुछ स्पेशली जॉब है जो जैसे कि स्टोर कीपर, हेल्पर, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी, मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ नहीं है जो वो 10th क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो, और कुछ जो रिलेटेड है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये रिलेटेड आएगा तो आप आईटीआई और एनएससी जरूरी है दोस्तों। इस बार क्वालिफिकेशन का थोड़ा चेंजेस किया है, आईटीआई स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते और 10th स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तो थोड़ा क्वालिफिकेशन का चेंजेस लाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हो जाएगा, और मैं ऐसे गवर्नमेंट जॉब या रेलवे का जो भी जॉब के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।